मैंने अपनी लास्ट वाले ब्लॉग में कहा था कि मैं अपने दांतों का ब्लॉग बनाऊंगी, तो आज मेरे डेंटिस्ट के पास चेकअप है और आज शायद डॉक्टर मेरे दांत भी निकालने वाले, चार दांत निकालने वाले। तो अगर 32 में से चार दांत निकलेंगे तो कितने दांत बचेंगे? 28 दांत बचे रहेंगे अगर मेरे 32 में से चार दांत निकलेंगे तो। और वैसे मैं डर भी रही हूँ क्योंकि मेरे दांत निकल रहे हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा। तो चलो मैं रेडी हो चुकी हूँ। जाना मेरे पापा आने वाले हैं मेरे साथ में हॉस्पिटल, और आज मंडे तो पापा को छुट्टी नहीं है, तो पापा ने ना हाफ डे में से आने वाले, तो मैं पहले उनको फोन कर देती हूँ। उन्होंने कहा था रेडी हो जाती मुझे फोन कर देना। हेलो, हाँ पापा मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप आ जाओ लेने के लिए। हाँ हाँ, तो मुझे वो रेड वाला टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए मैंने ये ग्रीन वाला पहन लिया। तो बताओ मैं इसमें कैसी दिख रही हूँ? पापा, डॉक्टर ने पिछली बार कहा था ना कि मेरे चार दांत निकालने वाले हैं। अब वो देखेंगे ना, डॉक्टर ये बोल सकते हैं, अभी वो तो बोले तो थे उन्होंने निकालने का है चार दांत। हाँ। तो निकालना तो पड़ेंगे। फिर कैसे होगा? नहीं दर्द नहीं होता, एक बारीक सुई रहती है एकदम बाल के जैसे ऐसे सुई रहती है। हाँ। और लगा दे तो दांत निकालते टाइम पे दर्द नहीं होता, लेकिन उसके बाद पे बोल नहीं सकते, मतलब एक दो दिन के लिए है ना चेहरे पे ऐसे यहाँ पे सूजन आ सकती, पता नहीं मुझे, मेरे तो 32 के 32 दांत पूरे। पापा ऐसे मत बोलो, मेरे फिर 28 दांत रहेंगे अगर चार दांत निकालेंगे तो। है ना सोनाली, तेरे भी 32 है दिखा। पापा के तो पूरे 32 दिख के आते हो, पापा स्माइल करो। मेरे दांत, मैं कभी दांतों के हॉस्पिटल गया है नहीं आज तक। तो आपको क्या जरूरत है? और आजकल के बच्चों को दूध के दांतों में भी दर्द होता। गाड़ी दूर लगानी पड़ेगी ना, वहाँ पे जगह नहीं ना लगाने को, वहाँ पे लगाएंगे। हाँ चलो उतरो। पागलों घर में वो सबसे बड़ी पागल बने क्या? पापा आप देखते हो बिग बॉस? पागलों का शो है वो, पागल लोग ही देखते हैं, बेकार लोग देखते हैं। पापा मैं भी देखती हूँ, ऐसे क्या कर रहे हो? तुम घर में बेकार बैठते हो तभी देखते हो ना। हमारा नंबर कब आएगा? ना वो जंगल में बुलाएंगे। चलो अभी ये बहुत बढ़ गया है, शेविंग कर लेती हूँ। दर्द हो रहा है बता? हम्म, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कुल्ली कर लो पानी से, कुल्ली कर लो, कुल्ली कर। अरे अभी सिर्फ इंजेक्शन दिया ना, अभी कुछ नहीं होता, अभी वो सुन हो जाएगा ना, कुछ नहीं होता। हाँ अभी कुछ पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? क्या हुआ पानी? पानी पीने का है। हाँ thank you.
बातें करेंगे ना तो हम बाहर रुकेंगे आप हमको बाहर रुकना पड़ेगा कुछ नहीं होता कुछ दर्द नहीं होता सुन हो गया ना सर बताओ आ गए हम बाहर अब इसको दर्द होगा आज रोएंगे हम हाँ सच में बहुत ज़्यादा वो आज आज रात भर रोने वाली है मास्क लगा ले मास्क लगा ले सूजन आ जाएंगे अभी थोड़ी से अभी गाल में ना सूजन दिख के आएंगे अभी दर्द तो नहीं हो रहा ना ठीक देख रहे का सोना इसको बोलते डेडिकेशन दांत दांत की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी लेकिन नहीं उसको कुछ करना है आगे उसको लाइफ में कुछ तो इतना डेडिकेशन देखने के बाद में भी फिर हम खुद हार जाते बहुत डेडिकेशन है उसको इसलिए हमने हम उसको इतना सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो डेडिकेटेड है ना खुद ही डेडिकेटेड है बहुत इतना डेडिकेशन मैंने मेरे इंजीनियरिंग में नहीं दिया था मालूम क्या तो अगर इतना डेडिकेशन उसके पास में है तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता ना हाँ कौन रोक सकता उसको आगे बढ़ने से उसको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता जब उसके पास इतना डेडिकेशन है तो दरवाजा खोलो उधर से हटो बेड पे से हटो चलो सो जा बेडशीट तो डाल देते ना हाँ निकालो मास्क अभी धीरे धीरे डिस्टर्ब नहीं करने का समझा क्या हाँ क्या हो गया देखो हाँ कुछ नहीं हुआ अभी ठीक हो जाता हूँ थोड़ी देर में कल सवेरे तक ठीक हो जाएंगे जरा क्या हो गया देखो देखो रोना आ रहा तू तो मारता रहता ना उसको तकलीफ डालिया सुन गाला हेलो गुड मॉर्निंग तो मेरा फेस है ना अभी भी सूजा हुआ है तो इसलिए मैं अपना फेस नहीं दिखा रही आपको रात भर मैं सोई नहीं हूँ बहुत दुख रहा था मतलब बहुत बहुत रात भर मुझे बहुत तकलीफ हुई है मैं रात भर सोई नहीं हूँ आज तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ अच्छा एक बात बताओ आपको देखना है मेरा फेस कैसा सूजा है यार मतलब इतना नहीं सूजा है थोड़ा सा इधर उधर से सूजा है देखना है तो बताओ ना और हाँ यार प्लीज़ कोई मेरा फेस देख के हंसना मत ठीक है दिखाओ फिर तो रुको मैं आपको फाइनली दिखाई देती हूँ मेरा फेस प्लीज़ यार कोई हंसना मत ठीक है पक्का तो ये लो तो आप बताओ कैसी दिख रही हूँ मैं ये सूजे वाले फेस में मुझे ना यहाँ पे और यहाँ पे बहुत दुख रहा है तकलीफ हो रही है
बात भी नहीं करना आ रहा ठीक से। तो बताओ कैसा लग रहा है मेरा ये फेस बिफोर आफ्टर। तो ये जो ऊपर की पिन होती है ना, जैसे तार लगाते हैं, वो निकाल दी है। तो अभी वो है ना 1 मंथ के बाद लगाएंगे, जब ये सब मेरा ठीक हो जाएगा ना सूजन। तो कल है ना घर आने के बाद में मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं ना बोलने के हालत में ही नहीं थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत बहुत गंदी वाली चक्कर आ रही थी मुझे, ब्लैंक ब्लैंक हो रहा था सब कुछ। इसीलिए मैं आके पहले सो गई और फिर बाद में मैं उठी और मेरा मतलब ये बहुत दुख रहा था, फिर मैं रात भर सोई नहीं। तो अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ आप सब लोगों के लिए। तो प्लीज़ यार आप इस वीडियो को लाइक कर दो ना प्लीज़, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है तो प्लीज़। बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी और एक ट्रिप निकलने वाली है पुणे के लिए। वैसे मैं पुणे प्रॉपर सिटी तो नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन का कुछ चक्कर चल रहा है ना। मैं जाने वाली हूँ पाटस, क्योंकि मेरे पापा के मौसेरे भाई की वहाँ पर शादी है, और मैं शायद जेजुरी भी घूमने के लिए जाऊँगी। और अगर लॉकडाउन का इतना कुछ रहा नहीं तो मैं पुणे प्रॉपर सिटी भी आऊँगी घूमने के लिए, ठीक है।